हेलो गाइज, आइए आज हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। इसके पिछले लेक्चर यानी पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व कर चुके हैं। इसमें ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन बहुत हल्का है, मस्त है और ज़बरदस्त भी है। ध्यान से देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिए हम लोग, ऊपर में क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है। आप बुक लिए होंगे तो बुक सामने लेकर के बैठिए, ध्यान से समझिए इसमें क्या दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 5 नंबर में ये ए नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए क्या दिया है। ए मतलब 2 2 रूट 2 4, इस तरह कोई मेरा जीपी दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा पद मेरा 128 होगा। डायरेक्ट हम लोग सोल्व करेंगे। एक जीपी दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा पद 128, हमको ये निकालना है 128 कौन सा टर्म होगा। तो इस टर्म को ज्ञात करने के लिए आप लोग ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना है, जिसका वैल्यू दिया है उसी के फॉर्मूला चलाओ। इसमें वैल्यू किसका दिया है, टीएनवा पद इसको मान लेंगे। जो भी टर्म ज्ञात करने के लिए बोलेगा उस टर्म को हम टीएन मानेंगे, टीएन मान करके उसी का फॉर्मूला चलाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा किस तरह बनाएंगे। हम लेट कर लेते, इसमें टीएन मेरा कितना दिया हुआ है, 128 दिया है, और ए यानी इसका प्रथम पद फर्स्ट टर्म कितना दिया है 2। यदि हम लोग आर का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो अगला टर्म से पिछला टर्म को क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं। तो मेरा आगे का टर्म क्या है, 2√2/2, यही ना है। यदि हम आर भी निकाले तो मेरा क्या निकल गया, आर 2√2। ध्यान से समझिए, जो दिया है हम लोग उसी को लेकर चलेंगे। मेरा टीएनवा टर्म यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि टीएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए आर के पावर एन माइनस वन, यही तो फॉर्मूला होता है। अब मेरा टीएन का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 128 इक्वल ए का वैल्यू देख लो, ए का वैल्यू 2, आर का वैल्यू मेरा कितना दिया है, √2 × n-1, इतना दिया हुआ है। आगे हल्का सी माइंड लगाइए, आंसर पाइए। यहाँ पर देखिए किस तरह करेंगे, हम यहाँ पर 128 लिख दिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। अब यहाँ पर √2 है, यानी √2 आता है तो पावर 1/2 होता है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, n-1, हम इसका पावर 1/2 में लिख सकते हैं क्या, हम इसको 1/2 में लिख देंगे। अब ध्यान से समझिए, अब आधार को मिलने पर पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। ध्यान से समझिए, 128 इक्वल यहाँ पर 2 के पावर 1, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, इस 2 के पावर ये देख रहे हैं कि इतना इसका हो गया। आधार मिलने पर पावर एक ही में करेगा, कर देते जोड़ देते, इसका 1 पावर प्लस इसका पावर क्या है, 1/2 × n-1, यही ना है, इसका पावर दोनों का जोड़ दिए। इस 7th क्लास में पावर वाला क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से देखिए। अब इसको भी तो कुछ 2 के पावर हम लिख सकते हैं, जब इसको करेंगे तो 2 के पावर क्या आएगा, 2 के पावर कर लीजिए, 2 के पावर कितना आएगा, 7, और 2 के पावर इसका 7 कर लेंगे, बराबर 2 × 1 + 1/2 × n-1, यही ना है। अब ध्यान से समझिए क्या करेंगे, हम पावर पावर को सेम करेंगे, जब इसका बेस सेम होता है तो पावर भी क्या हो जाएगा, इसमें सेम कर देंगे, बीच में बराबर हो, बेस सेम हो तो पावर को हम लोग सेम कर देते हैं, यानी कि मेरा 7 = 1 + 1/2 × n-1, यही ना है। इसको इधर लाएंगे, 1 को इधर लाएंगे तो 7 में से 1 घट के क्या निकलेगा, 6, इधर क्या बच जाएगा, 1/2 × n-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 2 n-1, -1 को इधर भेजेंगे तो 13 = n, यानी मेरा n का वैल्यू कितना निकल गया, 13, यानी 13वां पद 128 होगा। कितना मस्त क्वेश्चन था, एकदम हल्का, हम जिसका मान दिया, देखो 128 मेरा tn का वैल्यू दिया था, tn का वैल्यू चला मेरा कितना निकल गया, n का मान। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन एपी में भी सोल्व किए हैं। यदि आप एपी को रिवीजन अच्छे ढंग से मारे होंगे, यदि आप एपी का रिवीजन अच्छे ढंग से किए होंगे तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे ढंग से सोल्व कर लेंगे। आप इसे नोट करें, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करें, इसका बी भी इसी तरह कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन उतार लेते हैं, क्वेश्चन बी यहाँ पर बोला है कि √3
..729 इतना क्वेश्चन दिया, मतलब ये दिया हुआ है, हमसे बोल रहा है कि इस जीपी में 729 कौन सा टर्म होगा, हमको ये ज्ञात करना है कि कौन सा पद ये होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दिमाग में बैठाइए किस तरह ये बनाए तो उसी तरह भी बनाएंगे हम लोग। इसे हम लोग मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को, आशा करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटा देते हैं हम लोग। देखिए अब इसमें भी इसी तरह इसी सेम लॉजिक को अपनाएंगे, इसमें भी हम लोग सेम लॉजिक को अपनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम प्रथम पद लिखना चाहें तो मेरा क्या निकल गया, रूट थ्री, और आर का वैल्यू लिखना चाहें तो क्या निकलेगा, आगे की टर्म से पीछे की टर्म को डिवाइड कर देते हैं ना, आगे के टर्म थ्री है पीछे की टर्म रूट थ्री है तो डिवाइड कर देते हैं, ये कटेगा रूट थ्री बार में, यानी आर इक्वल कितना निकल गया हम लोगों को, रूट थ्री, यानी आर के मान यहाँ पर क्या निकल गया, रूट थ्री निकल गया ना। अब यहाँ पर टी एन निकालो, यानी टी एन निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 729 यानी अंतिम में कितना दिया है 729, बस ध्यान दीजिए जिसका मान है उसी का हम लोग फॉर्मूला चलाएंगे, आराम से क्वेश्चन का हल निकल जाएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर टी एन का तो वैल्यू दिया हुआ है, जब टी एन दिया है तो हम आराम से तो ज्ञात कर ही सकते हैं, चूंकि चलाओ टी एन बराबर क्या होता है, ए आर के पावर एन माइनस वन, यही तो फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करो आंसर पा लेंगे हम लोग। तो ध्यान से समझिए टी एन मेरा क्या है 729, तो हम 729 को धर देंगे टी एन के जगह पर। ध्यान से समझिएगा, ए का वैल्यू मेरा कितना है रूट थ्री, इंटू आर का वैल्यू क्या है रूट थ्री एन माइनस वन, पावर एन माइनस वन है तो पावर एन माइनस वन धरेंगे, यहाँ से जो एन का वैल्यू निकल के आएगा वही मेरा क्या होगा टर्म होगा, एन का वैल्यू 12 आएगा तो 12 टर्म, 6 आएगा तो 6 टर्म, 20 आएगा तो 20 टर्म, जितना आएगा वही मेरा आंसर निकल के आएगा। ध्यान से देखिएगा, इधर हम 729 को क्या लिख सकते हैं, पहले इसको तोड़ लेते हैं, 729 इक्वल आधार मिलने पर पावर जोड़ देते हैं, कुछ नहीं तो इसका पावर कितना है एक, रूट थ्री की पावर कितना है एक, तो हम लिख सकते हैं क्या रूट थ्री इंटू वन प्लस एन माइनस वन, ये तो बेचारा कट ही गया, यानी 729 बराबर रूट तीन के पावर कितना निकला एन। तो ध्यान से समझिए 729 को अभी 729 ही रहने देते हैं, ये रूट के पावर जब रूट हटाते हैं तो पावर में 1/2 आता है, जब रूट हटाते हैं तो पावर में 1/2 आता है, तो यानी 3 के पावर हम 2n यानी n by 2 तो कर ही सकते हैं, 3 के पावर n by 2 कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको भी तोड़ो, इसको भी 3 के पावर में ही तोड़ेंगे हम लोग, तो 3 के पावर में आपको नहीं समझ में आए तो इस तरह एलसीएम कर लेना, 729 3 से कटाना, फिर इसको कटा देना, फिर कटाना, मतलब इसी तरह आप लोग कटा के देखते जाइएगा, अब इसी तरह करके देख लीजिए, हम करेंगे तो 3 के पावर क्या आएगा 6, इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं 729 को 3 के पावर 6 लिख सकते हैं, इधर क्या है 3 के पावर n बाई 2, जब बेस सेम हो तो बराबर भी पावर को कह देते हैं, यानी 6 बराबर n बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा n का वैल्यू कितना निकलेगा 12, ये अभी मेरा क्या हो गया एंसर। अब बुक से एंसर भी मिलाते जाइएगा, कितना झकास क्वेश्चन है, सब इसमें हल्का हल्का क्वेश्चन है, आप यदि थ्योरी को फॉर्मूले को अच्छे से पढ़े होंगे सोल्व करने में 0, आप इसे भी नोट करें, कितना फट दे, कितना मिनट हो गया, 9 मिनट में 2 क्वेश्चन हम लोग उड़ा दिए, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है, इसे भी नोट करें, हम मिटाने जा रहे हैं। अब जब हम समझते हैं हम लोग छठवां नंबर, जो इसका सी है वो आप लोग बनाएंगे, सी नंबर को आप लोग ही बनाएंगे, ध्यान से देखिए किस तरह ये बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहे हैं, एक्स के किस मान के लिए -2/7 एक्स और 7/2 गुणोत्तर श्रेणी में होगा, एक्स के किस मान के लिए
माइनस टू बाई, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, माइनस टू बाई सेवन एक्स माइनस सेवन बाई टू जी पी में होगा। हमको एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, एक्स के किस मान के लिए यह जी पी में होगा, हम उस एक्स के उस वैल्यू को ज्ञात करना है ना, तो इसको भी ज्ञात कर लेंगे। ध्यान से समझिए, हम आपको एक फॉर्मूला को याद दिलाते हैं, मारे हैं रिवीजन तब पर भी ठीक है, रिवीजन नहीं है फॉर्मूला नहीं याद है तब वो ठीक है, सब हर एक तरह से ठीक है। ध्यान से समझिए, हम आपको एक थ्योरी बतलाए थे, जियोमेट्रिक मीन जीएम। ध्यान से समझिए, जियोमेट्रिक मीन आप लोगों के बतलाए थे, यदि ए और बी के बीच का कोई माध्य निकालना हो, वो भी गुणोत्तर माध्य हो, तो उसको हम गुणोत्तर माध्य यानी जीएम बराबर डायरेक्ट आप लोगों के फॉर्मूला बतलाए थे, रूट ए बी बतलाए थे कि ना बतलाए थे, इस मेथड से भी निकल जाएगा। या आप लोग समझिए, अगर ये जीपी में होगा तो इसका सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तो कॉमन डिफरेंस अरे कॉमन रेशियो सॉरी कॉमन रेशियो यानी एक्स बटे में माइनस दो बाई सेवन बराबर होगा माइनस सेवन बाई टू बाई एक्स, ये बराबर होगा कि नहीं होगा, इसको बराबर ले जाएंगे, सेवन एक्स बटे भाई माइनस माइनस कटा दो ना, सेवन एक्स बाई टू ये क्या हो जाएगा, सेवन बाई टू एक्स, इतना तो हो ही जाएगा, सात दूनी की चौदह, सात दूनी की चौदह, चौदह एक्स 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 स्क्वायर, सात दूनी की चौदह ये कट गया कहा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर वन, एक्स स्क्वायर बराबर वन यानी एक्स बराबर प्लस माइनस रूट वन, तो एक्स बराबर प्लस माइनस वन लिख लेगा कहा, एक्स के इसी मान के लिए भी क्या होगा, इतना होगा। या हम फॉर्मूला से निकाले, गुणोत्तर माध्य से निकाले, तो गुणोत्तर माध्य से भी निकल लेगा। ध्यान देखिए, रूट के अंदर ए भी होता है ना, रूट है तो प्लस माइनस लेकर के आता है, रूट आप लोग पढ़ चुके हैं नाइन्थ क्लास से, हम लोग प्लस माइनस लेना सीख जाते हैं। रूट ए बी ए की जगह पर क्या है, माइनस टू बाई सेवन गुड़े ये क्या है, माइनस सेवन बाई टू, अगर इसको काट कूट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस माइनस रूट वन यानी प्लस माइनस वन, तो मेरा एक्स का वैल्यू गुणोत्तर माध्य से भी निकल गया, इस तरह भी निकल गया। आपको जो भी टर्म सुविधा लगे, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको आसान लग रहा है, उसे आप लोग नोट कर लें। इसी तरह सेम क्वेश्चन, सब हल्का हल्का क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, आराम से समझ में आएगा। आप इसे नोट करें, देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर सेवन आप लोग बना लीजिएगा, मतलब बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन हल्का है, मस्त है और जबरदस्त भी है। हमसे बोल रहा है कोई जीपी दिया हुआ है, कोई जीपी कह रहा है दे दिया है, और बोल रहा है कि इसी जीपी के बीच से पदों तक योग ज्ञात करें, इसी जीपी के 20 पदों तक योग ज्ञात करें, यानी 20 पदों तक हमको योग न ज्ञात करना है, यानी हमको एस एन ज्ञात करना है। एस एन बराबर हम डबल डबल फॉर्मूला बतलाए थे, एक होता है ए आर के पावर एन माइनस वन बटे में आर माइनस वन, अच्छा एक इधर माइनस में आर इधर लिखे, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसी फॉर्मूला को तो हम लोग यूज करेंगे। देखो पहले हम लोग ए का वैल्यू चाहिए, यानी प्रथम पद ए लिख लेते हैं 0.15, हमको आर भी लिखना जरूरी है, आर निकलने के लिए अगला टर्म से पिछला टर्म को डिवाइड कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए इधर अगला टर्म क्या है, 0.05 बटे में 0.15, यही ना है, तो आर बराबर अगर हम ज्ञात कर तो क्या हो जाएगा, इसको लिखना चाहे 15/1000 हो जाएगा, एकरा को ऊपर ले जाएंगे तो 100/15 होगा कि ना होगा, आप तो ये समझ रहे, इसको 15/100 लिख सकते हैं, भागा में ऊपर जाएगा तो गुणा में चेंज होगा, गुणा में चेंज यानी 100/15, ये कट गया, डबल जीरो कट गया,
यानी आर बराबर क्या निकल गया 1/10। आर का तो वैल्यू निकाल लिए। अब इधर देखते हैं हम लोग, एस एन ज्ञात करना है। तो चूंकि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं एस एन बराबर ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन इंटू डी। अरे डी चाहे आर लिख दो, कॉमन रेशियो आर माइनस वन, यही ना होता है। तो ध्यान से समझिए, ए का वैल्यू कितना है 0.15, इंटू आर का वैल्यू 1/10। हमको 20 पदों का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बोला है कि 20 पदों का योगफल ज्ञात करें, तो 20 पदों का योगफल एन के जगह पर 20 माइनस वन इंटू 1/10 माइनस वन, इतना तो लिख ही लेंगे। बराबर में देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15/100 इंटू 1/10 के पावर 20 माइनस वन, बटे में इसको घटाएंगे तो मेरे को क्या निकल जाएगा, इसको घटाएंगे इधर ले जाएंगे 1-10, एलसीएम भी 10 होगा, इतना तो आएगा ना। डायरेक्ट काम कर दिए, ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए 10, यहाँ पर एलसीएम ले लिए एक, ये तो एक 10 लिख दिए इतना, यानी मेरे को निकल गया 15/100 1/10। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यूँ माइनस कॉमन कट जाएगा। तो पहले हम डायरेक्ट नहीं लिख के विध्वंस से बना देता कि समझ में आए, 1/10 के पावर 20 माइनस 1/10, यहाँ पर क्या हो जाएगा -9/10 है जीरो, तो ये जीरो कट गया, यानी 15/10 इंटू हम 1 इधर इधर लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेके माइनस को कटा देते हैं, यानी 1-1/10 के पावर 20/9। यदि आप चाहेंगे तो सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा चलते हैं, ये झोल झमाटा नहीं होगा माइनस कॉमन लेने माइनस कटाने का। हम इसको भी अब क्या कर दें, ये कट गया 3/5, यानी 5/30 इंटू 1-1/10 के पावर 20। इसे भी आप नोट कर ले, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। अब इसको भी काटना चाहे तो कुछ और कट रहा है, कटा दो इसको 6 बार में कटा दो, यानी 1/6 इंटू 1-1/10 के पावर 20, यही मेरे को क्या निकल के आ गया आंसर, इतना मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। आप इसे भी नोट करें। आज के लिए हम लोग इस सेशन को इतना ही पर लास्ट करते हैं। आज के लिए जय हिंद।